नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने स्कल के बारे में खोपड़ी के बारे में जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो की लिंक आपको दिया गया है, आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पहली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस कड़ी में चलते हुए चीजें आसानी से आपको समझ में आती चलेंगी। और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए, उसी स्केलेटन सिस्टम को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम रिब्स के बारे में, पसलियों के बारे में जानेंगे कि पसलियां कहाँ होती हैं, कितनी होती हैं और कैसे होती हैं। तो आइए हम जानते हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं पसलियों की बात करता हूं तो स्टूडेंट, 12 जोड़े पसलियां होती हैं। ये जो 12 जोड़े पसलियां होती हैं तो एक जोड़ी में कितने होते हैं? दो। तो टोटल मिलाकर कितनी पसलियां होती हैं? 24 पसलियां होती हैं। और इन 24 की 24 पसलियों को 12 जो जोड़े होते हैं इनको तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड किया गया है। एक होती है ट्रुथ रिब्स, सच्ची पसलियां। एक होती है फॉल्स रिब्स, झूठी पसलियां। और एक होती है फ्लोटिंग रिब्स। क्या होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स, जिनको हम फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, तैरती पसलियां भी कह सकते हैं। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। रिब्स, हाँ स्टूडेंट, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। देखिए, ये रिब्स की एनाटॉमी आपको यहां पे दिखाई गई है, दैट इज कॉल्ड पसलियां। देखिए, इसमें ना 12 पेयर आपको दे रखे होंगे। देखिए, 7 पेयर, 1 to 7 पेयर होती हैं, दिस इज ट्रू रिब्स, जिनको सच्ची पसलियां कहते हैं। यहां पे आपको 8 से लेकर जो 10 पेयर हैं, 8, 9 और 10वां पेयर, दैट इज कॉल्ड फॉल्स रिब्स, जिसको झूठी पसलियों के नाम से जाना जाता है। और 11वीं और 12वीं जो रिब्स होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जिसको तैरती पसली भी हम कह सकते हैं। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं कि सच्ची पसलियां क्यों। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान तरीका है। ये जो ऊपर वाली हमारी पसलियां होती है ना, ये जो 7 पेयर होते हैं, ये आगे से भी जुड़ी होती है और पीछे से रीढ़ की हड्डी से भी कनेक्ट होती है। तो दोनों जगह से जुड़ी होती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे इस वाली हड्डी से। और स्टूडेंट, ये जो ये वाली हड्डी होती है ना, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। ये क्या होता है स्टूडेंट? स्टर्नम। और ये जो स्टर्नम होती है, ये चेस्ट की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में एक हड्डी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। आइए स्टर्नम के बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूं कि जो स्टर्नम की शेप एंड साइज होती है ना, ये वाली, ये वी शेप एंड साइज की होती है। और पता है इसकी एक खास बात रही होती है, ये जो हड्डी है ना, ये कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। ये बचपन से लेके जब तक बुढ़ापे तक मरते हैं ना, अब ये हमेशा एक जैसी रहती है और इसकी शेप एंड साइज होती है वी शेप। क्लियर है? तो पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसी हड्डी कौन सी है कि जो कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। तो स्टूडेंट, कौन सी हड्डी होती है? स्टर्नम हड्डी होती है। देखिए, एक होती है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्या होती है? ये वाली आप हड्डी देख पा रहे होंगे, ये पीछे जाकर केवल और केवल किससे कनेक्ट है? ये केवल रीढ़ की हड्डी से जाकर कनेक्ट होती है। क्लियर है? जो कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं, ये कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। कहां? ये रहा ना, हाँ, ये कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। ये इस तरह से आप ब्लू कलर में यहां पे देख पा रहे होंगे। और जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये पीछे जाकर केवल और केवल किसकी हड्डी से जुड़ी होती हैं? रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। तो कुल मिलाकर 12 पेयर होते हैं, और 12 पेयर में कितनी पसलियां होती हैं? 24 पसलियां होती हैं। तो आज की इस क्लास में आपने टोटल रिब्स के बारे में जाना, और ऐसे ही इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अगली क्लास में हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जानेंगे। माय डियर, हम रीढ़ की हड्डी के बारे में जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी क्या होती हैं, क्या फंक्शन होता है, कितनी होती हैं, कहां होती हैं। तो ओके, थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।